कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भाजपा के द्वारा सेवा संगठन दिवस के तहत घर घर जाकर लोगों का कोरोना जांच किए जाने को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो लोग जनता की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि एक तरफ पूरा देश कोरोना की जंग लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं के द्वारा देश के 4 राज्यों में कोरोना को बढ़ावा देते हुए इसकी होम डिलीवरी की जा रही थी। साथ ही भाजपा और प्रधानमंत्री को दोहरा चरित्र वाला बताते हुए कहा कि जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा संक्रमण से बचाव को लेकर अपने कार्यालय में वार रूम खोलकर लोगों की मदद की जा रही थी, तो प्रधानमंत्री के इशारे पर पुलिस के द्वारा इसे बंद कराया गया और इसको लेकर कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी कहती है आजकल की सेवा संगठन दिवस मनाएंगे और घर घर जाके थर्मामीटर, स्कैनर, ऑक्सोमीटर लेके घर घर जाके जांच करेंगे। कितना हास्यास्पद है, एक तरफ आप चुनाव कर रहे थे बंगाल में 4 स्टेटों में, वहां तो आप कोरोना बीमारी का होम डिलीवरी कर रहे थे, आप जाके इतनी भीड़ लग रही थी, और एक तरफ जब हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, श्रीनिवासन जी ने जो संक्रमित लोग हैं उनको मदद करने का काम कर रहे थे, अपने कार्यालय में वार रूम खोल के काम कर रहे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी लगी थी, आपने क्या किया, उस मदद को रोकने के लिए आपने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से उसको तंग करने का, उसको बदमाशी करने का, ताकि वो संक्रमित लोगों को इलाज न कर सके। आप दोहरी नीति पर चलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, याद नहीं आता है ये एक साल पाँच महीने में आपने क्या क्या कोरोना के लिए काम किया, दवाई जो वैक्सीन बना आपने विदेशों में भेजने का काम किया, बच्चों को लोगों के पेट से आप अनाज निकाल के विदेशों में भेजा, अगर वैक्सीन यहाँ रहता तो आज लोग वैक्सीनेशन का काम खत्म होता है। दोहरी नीति मत चलिए, जनता सब देख रही है और जनता इसका जवाब आपको 2024 में देगी।